हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के टास्क में आज आपको क्या कवर करना है और साथ में क्या मैं भी टास्क कवर करना है, और आपको ये क्वेश्चन भी लिखने के लिए आज दिया जाएगा, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आज आपको यहाँ पर आपकी तैयारी का 27वां दिन देखने को मिलेगा, और आज 4 अगस्त है, तो इस दिन आपको हिस्ट्री की एनसीईआरटी जो क्लास 6 की आपको देखने को मिलेगी, इसके आपको आगे के चैप्टर पढ़ने हैं। यानी कि आपको 1 से लेकर के 6 चैप्टर आपको कल पढ़ने के लिए दिए गए थे, तो आज आपको 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि आपको आगे के ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ओके, और आपको सिर्फ स्टोरी के फॉर्म में ही पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि आपको पढ़ने के बाद नोट्स बनाने हैं, बहुत ज्यादा टाइम देना है, ऐसा नहीं। इनको जैसे आप स्टोरी पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं, उस तरह से आपको सिर्फ पढ़ना है। बहुत ही आराम से इसको आप लोग कवर कर लेंगे, बहुत ही कम टास्क अभी आपको दिया जाता है। और देखिए, टास्क है वो आपका एक नया एड हो गया है, तो आपको एडिटोरियल, जिसको हिंदी में लेख बोलते हैं, जो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, तो आज का जो भी न्यूज़पेपर है उसमें जो भी लेख वाला टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। और देखिए, इंग्लिश में एडिटोरियल करके आपको देखने को मिलेगा, तो इंग्लिश वाले जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको एडिटोरियल देखने को मिलेगा, हिंदी का पढ़ते हैं तो उन्हें लेख देखने को मिलेगा, ये आपको पढ़ना है। देखिए, आप लोग पेपर में देखेंगे तो आपको लगभग में 4 एडिटोरियल एक तरह से दिए जाते हैं, मतलब लेख दिए जाते हैं, जिसमें 2 बड़े होते हैं और 2 छोटे छोटे आपको साइड से देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको एटलीस्ट एक तो पढ़ना है, जो मेन वाला होता है या फिर जो भी आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपके अप्रोच है बहुत अच्छे से बनने लगेगा और आप मेंस का आंसर लिखने में बहुत अच्छे से सक्षम हो जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर मेंस के टास्क में आज आपको क्या कवर करना है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर एशिया की फिजिकल लोकेशन है उनको हम देख रहे हैं, तो इसमें देखिए आपको एक तो आपको देखने को मिलेगा ईस्ट साइबेरियन प्लेन, दूसरा सेंट्रल साइबेरियन प्लेन। तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो देखिए जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रसिया के अंदर ही बेस्ट साइबेरियन प्लेन है वो आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा आप इसके पूरब में आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाएगा सेंट्रल साइबेरियन प्लेन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, और फिर आपको यहाँ ही आपको बैकाल झील भी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, यही क्या है, बैकाल झील है। तो ये आपको पहली लोकेशन देखने को मिलेगी, ये दूसरी लोकेशन देखने को मिलेगी, तीसरी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, ये तीनों लोकेशन आपको रसिया में देखने को मिलेंगी। फिर देखिए, मंगोलिया में आपको कुछ लोकेशन आपको देखने को मिलेंगी, जहां से वो चंगेज खान था वो कहाँ से था, मंगोलिया से था चंगेज खान, जो वो ऐसा टिन्ना सन्नाटा सा था, लेकिन भारत के अंदर भी उसने कई सारे आक्रमण किए थे। तो चंगेज खान जो था वो मंगोलिया से था, तो मंगोलिया में भी कुछ लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, प्लेटियो ऑफ मंगोलियो आपको देखने को मिले। तो जैसे मंगोलिया है ना, तो मंगोलिया प्लेटू आपको, आप लोग साउथ और ईस्ट में यानी कि दक्षिण पूर्व में आप लोग देखेंगे मंगोलिया के, तो आप लोगों को दिख जाएगा। देखिए इधर हो, अगर आपके में ना हो तो आप लोग इस तरह से अलग से बना लीजिएगा अपने मतलब पेज पर, तो कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। एक आपको यहाँ पर देखिए गोबी डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर चीज आपको एक बता देते हैं, देखिए जो गोबी डेजर्ट है वो देखिए जैसे ये मंगोलिया है ना, तो यहाँ पर आपको ये जो प्लेट्यू देखने को मिलेगा मंगोलिया का, और यहाँ पर ही आपको इधर देखिए ये गोबी डिजर्ट आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये देखिए गोबी डिजर्ट यहाँ पर है, और फिर आप देख सकते हैं कि टकला मकान डिजर्ट है, वो भी आपको टकला मकान डिजर्ट, टकले नहीं होते तो आप याद रख सकते हैं, तो टकला मकान भी कहाँ है, एशिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए वो टकला मकान की कुछ लोकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी अपने एटलस में, आपको देखने के बाद ब्लैक मैप पर नोट करने हैं, फिर हाथ से भी आप लोग ब्लैक मतलब मैप है वो ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में आपको कुल्लून सान देखने को मिलेगा। तो देखिए जैसे तिब्बत का पठार है ना, तिब्बत के पठार के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आपको कुल्लून सान आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, तिब्बत का पठार आपको देखने को मिलेगा। तो तिब्बत का पठार कहाँ है, तो तिब्बत का पठार है हिमालय, आप लोग हिमालय रेंज इस तरह से देखेंगे ना, तो हिमालय के जस्ट ऊपर आपको तिब्बत का पठार देखने को मिलेगा। तिब्बत के पठार से थोड़ा सा और आप लोग नॉर्थ के इधर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक कुल्लून सान है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से देखिए नॉर्थ चाइना प्लेन, ओके, जो आपको नॉर्थ चाइना प्लेन है ये आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ येल्लो सी आपको पढ़ाए थे ना, कोरिया के इधर आप लोगों को येल्लो सी देखने को मिलेगा, तो वहां पर ही इस तरह से ये जो हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन आप लोगों के लिए दिख रहा है ना, यही क्या है, यही है नॉर्थ चाइना प्लेन देखने को मिलेगा। उसके बाद में मंचूरियन प्लेन देखने को मिलेगा, तो देखिए मंचूरियन का नाम लेकर के जो गर्ल्स होंगी उनके मुंह में तो पानी आ गया होगा, क्योंकि वो चटपटी चीजें जो स्पाइसी चीजें होती है खाना बहुत पसंद करती है, तो मंचूरियन आप लोग बहुत पसंद करते होंगे, कुछ लोग खासकर जो गर्ल्स होती है वो मंचूरियन खाना बहुत पसंद करती है, तो मंचूरियन प्लेन भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए आप लोग इससे थोड़ा सा और मतलब नॉर्थ में जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ही आपको मंचूरियन प्लेन देखने को मिलेगा, ये चाइना के अंदर ही है। ओके,
तो इस तरह से आपको सारी की सारी लोकेशन आपको मिल जाएंगी, ये आपको मैप पर लोकेट करनी है, और लोकेट करने के बाद में आपको सेंड करना है ग्रुप में। इसके अलावा देखिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है ये आईएएस के मेंस में 2020 में ही पूछा गया है, हाल ही में ये आया है, तो चलिए देख लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर बोला है, समावेशी समृद्धि और संपोषणीय विकास के परिपेक्ष में अंतः पीढ़ी, और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि अंत पीढ़ी साम्य के विषय की व्याख्या करें। देखिए यहाँ पर साम्य वैसे आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर इस तरह से अंतर पीढ़ी आपको देखने को मिलेगा। ये रा लगा हुआ है, एक्चुअली टाइपिंग करते हुए कुछ चीजें डिटेक्ट नहीं करता गूगल, जो कीबोर्ड होता है वो थोड़ा सा नालायक होता है, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग 200 शब्दों में आराम से लिख सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको एक कीवर्ड तो ये देखने को मिलेगा। ये क्या है, कीवर्ड आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपको समावेशी समृद्धि के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा इसमें दिया रखा है आपको संपोषणीय विकास, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या है आपका एक और कीवर्ड आपको देखने को मिलेगा, ओके। और इसी तरह से आपको एक अंतः पीढ़ी और अंत पीढ़ी, अगर इन शब्दों के अगर आपको अच्छे से मायने पता है तो आप इस आंसर को, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। और हम आपको जब इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए थे ना आपको, तो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही आपको हम समावेशी विकास और साथ में आपको संपोषणीय विकास के बारे में आप लोगों के लिए पढ़ाए थे। तो देखिए समावेशी विकास क्या है, तो आपको बताए थे ना चौतरफा विकास। चौतरफा विकास क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि समाज के जो सभी वर्ग हैं उनका उत्थान होना चाहिए, और साथ में उत्थान के साथ में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भी उत्थान होना चाहिए। वही क्या है, समावेशी विकास है। वही दूसरी ओर संपोषणीय विकास आपको देखने को मिलेगा कि जब हम विकास के क्रम में संसाधनों का उपयोग करते हैं तो उपयोग के क्रम में, उनके दोहन के क्रम में भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हैं, और साथ में पर्यावरण के मुद्दे को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हम संपोषणीय विकास बोलते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से वहां पर समझाए थे, यहाँ पर एक आपको क्योंकि रिविजन करा दिया थोड़ा सा। और देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंतः पीढ़ी और अंतर पीढ़ी साम्य के विषय, मतलब आपको ये बताना है, जैसे कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको एक बता देते हैं, अंतः पीढ़ी का मतलब है पीढ़ी के ही अंदर ही, जैसे हमारी एज ग्रुप के अभी लोग हैं हम उनकी ही बात कर रहे हैं, मतलब वर्तमान काल में जो लोग हैं, जो पीढ़ियां हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये अंतः पीढ़ी आपको देखने को मिलेगा। और अंतर पीढ़ी का मतलब है हमारे बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, अगली जनरेशन आएगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम समावेशी विकास है और संपोषणीय विकास है, इसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो अभी भी सामंजस्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे देखिए हम एक तरफ समावेशी विकास है उसकी बात करते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो भारत के अंदर भी क्या आज आपको असमानता देखने को नहीं मिलेगी? क्या भारत के सभी भाग यहाँ समान रूप से विकसित हैं? जैसे आपको देखने को मिलेगा जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन आपको देखने को मिलेंगे, और वहीं पर अगर हम जो पश्चिम की बात करें, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इधर गुजरात हो गया, और इधर आपको जैसे कि मुंबई, मुंबई वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, ये ज्यादा विकसित है आपसे पूछा जाए, या फिर हम आपसे बोले जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, और आपको जैसे कि कुछ रीजन जैसे कि त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, ये रीजन ज्यादा विकसित है, तो आप जाहिर सी बात बोलेंगे कि जो पंजाब, हरियाणा वाला रीजन, गुजरात वाला रीजन, महाराष्ट्र वाला रीजन है ये ज्यादा विकसित देखने को मिलेगा। तो क्या सभी का समान विकास हुआ है? नहीं। और वहीं पर अगर हम महिलाओं की भागीदारी बात करें तो महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर है, अभी भी नहीं हो पाई है। इसके अलावा अगर हम अवसरों की बात करें तो अवसरों में भी अगर महिलाओं की पार्टिसिपेशन की बात करें तो वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्या समाज के सभी वर्ग हैं वो समान रूप से आर्थिक रूप से सक्षम है? तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। जहां पर SC ST वर्ग, और जो SC ST वर्ग मतलब जैसे आदिवासी समाज हो गया, ST वर्ग के जो कमजोर तबके हो गए, वो आज भी आपको बहुत गरीब देखने को मिलेंगे, वो जीवन को बहुत मुश्किल से चला पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं वो बहुत हाई क्वालिटी जीवन है, मतलब लग्जरी लाइफ है उसको जीते हैं, फिर भी उनके पास में बहुत सारा जो संपत्ति है वो बच जाता है। तो अभी भी इसमें क्या है, सामंजस्य की कमी देखने को मिलेगी। बहुत कारण आपको इसमें लिखने हैं। और इसी साथ में आपको देखिए जो संपोषणीय विकास है, तो देखिए संपोषणीय विकास है तो अंतर पीढ़ी जो साम्य है वो भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हम लोगों ने बात किया है कि हम क्या करेंगे, संपोषणीय विकास करेंगे, फिर भी आपको जैसे विकसित देश हैं
और हम लोग भी जब विकास करते हैं तो उस क्रम में हम पर्यावरण को और भविष्य की पीढ़ियों को उतना ध्यान में नहीं रखते हैं। हम वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए संसाधनों का दोहन करते हैं और अति दोहन करते हैं। जैसे आज देख सकते हैं कि जल का दुरुपयोग बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग करते हैं। वृक्ष हैं, जो वृक्ष आपको देखने को मिलेगा वो बहुत तेजी से काट रहे हैं, वायु की गुणवत्ता बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये क्या है, समस्याएं, तो उन समस्याओं के बारे में इसको लिखना है। जैसे देखिए अंतः का मतलब क्या होता है, इंटर आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसी पीढ़ी के अंदर, ओके। और देखिए जो अंतर पीढ़ी होता है उसका मतलब है इंटर जनरेशन, इंटर जनरेशन मतलब अगली पीढ़ी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो आपको क्या लिखना है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखना है, फिर इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखना है, फिर आपको बताना है कि वर्तमान में हमने समावेशी विकास है, समावेशी विकास यानी कि समावेशी समृद्धि है, वो हमने मतलब उस कॉन्सेप्ट को लाया तो है, लेकिन वर्तमान में इसमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। अभी भी समाज में इस प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं फिर भी। और आपको फिर बताना है, देखिए जो संपोषणीय विकास है वो ऊपर बताना है, फिर इसके बारे में आपको जो अंत पीढ़ी है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देना है। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से आंसर कर लिख करके, मतलब 250 शब्दों में आप लोग लिख करके, या 200 शब्दों में, 150 शब्दों में, जितने शब्दों में आप लिखना चाहते हैं लिख करके सेंड कर सकते हैं, ओके। तो चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो इसको फॉर्मेट बना करके भी आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा, ओके।